टॉस जीतकर बॉलिंग करना पाकिस्तान को रास नया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कैंगरूज के हाथों धुलाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अहम मैच में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन को तहस नहस कर दिया है। कप्तान बाबर आजम का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला कुछ भारी पड़ गया। घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, हमारा घंटा बजा दिया है। नंबर वन बॉलिंग लाइनअप का जनाजा निकाल दिया है। मेरे बाबर का घंटा बजा भजन बेंगलुरु में चिन्ने स्वामी स्टेडियम में। इतनी जोर जोर से मारू कि मैं जिसको कहते हैं ना भूल जाऊं कि मैं क्रिकेट देखता होता हूं। दिल गाड़ है कि इस बॉल से तीनों बॉल अपने सर के ऊपर रच रच के मारूं कि किसी तरीके से मेरी याददाश्त चली जाए, मैं भूल जाऊं पाकिस्तान टीम भी कोई थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी कोई थी। मतलब कि हद हो गई है यार, हद हो गई है। इतनी पुअर बॉलिंग और मार मार के वार्नर ने और मार्श ने जो उल्ली निकाल दिया है, कुत्ते की तरह मारा है भाई साहब। अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा, मारना दूर की बात है, इसको घसीटना बोलते हैं, घसीट घसीट के मारना बोलते हैं भाई साहब। मिचेल मार्श वो इरादा करके आया है कि मैं उसने खूब कुटाई करनी है, पहले ही उसने स्ट्रोक पॉजिटिव खेला। मारा है मिचेल मार्श ने, मारा है वार्नर ने, मारा है इतना मारा एक बंदे का घंटा जो आता है बजाने जो इनको निकल जाता है, लगातार बजा के मारा है। और बातें करते हो कि हम इंडिया को हराएंगे, ये करेंगे, आपको पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। लानत है आपकी शक्लों के ऊपर कि ये टीम लेके आप इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गए हो और बातें कर रहे हो कि हम फाइनल जीतेंगे, मेरा हेल जीतोगे आप लोग। इतनी पोर्ट बॉलिंग के आपके हाथ पांव फूल के रह गए। उसके बाद जो वो हारिस राउत ने जितनी पिटाई खाई है ना भाई साहब, इतनी पिटाई कोई नहीं खाता। स्टेपिये को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया भाई साहब। और हारिस राउत जी की बड़ी 150 की स्पीड हारिस राउत जो हम कर रहे थे भाई, एक ओवर में 24 रन, 3 ओवर 47 रन, इतनी मार ये तो हम ना सोचे थे। बेटा जो आज होने वाला है ना, आज मौत का खेल नहीं है, आज क्यामत का खेल है। फिर बता रहा हूँ, घंटा ऐसा है हमारा, घंटा बजा दिया है। नंबर वन बॉलिंग लाइनअप का जनाजा निकाल दिया है। मेरे बापर का घंटा बज रहा है भजन बेंगलुरु में चिन्ने स्वामी स्टेडियम में, मेरे बापर का घंटा बजा रहा है वार्नर और मिचेल। और ये कौन सी टीम है, ये दोस्ती यारी लेके जाओगे उधर भाईजान? आप हर मैच में घंटा बजवा रहे हो, ना कैच पकड़े जाते हैं, ना फील्डिंग सही है, ना बॉलिंग सही है। और आरएस राउत टेपिया को तो कुत्ता बना के मारा उन्होंने, कुत्ता बना के मारा उन्होंने। और बातें करते हो कि हम इंडिया को हराएंगे, ये करेंगे, आपको पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। लानत है आपकी शक्लों के ऊपर कि ये टीम लेके आप इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गए हो और बातें कर रहे हो कि हम फाइनल जीतेंगे, मेरा हेल जीतोगे आप लोग। इधर है मेरे घंटे के किंग, क्योंकि मेरे घंटे के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। मेरा घंटा कोई सेकंड प्लान तो लेके ही नहीं आया, मेरे घंटे के पास कोई दूसरा प्लान ही नहीं है कि वार्नर और मिचेल जब मार्च अटैक कर रहे हैं तो मेरे पास दूसरा प्लान कोई नहीं है। और फिर क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने, मेरे घंटे का घंटा बजा दिया। उस दिन तो दिल पाकिस्तान ही लगा स्टेडियम में, उस दिन तो जी इंडियन क्राउड ने आपको आवाजें लगाई। आज क्या हो रहा है, आज अंदर कौन सी आवाजें चली गई हैं कि कुत्ता बना आगे मारा उन्होंने। 200 की वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, 100 उनके ओपनर्स ने मारा है, शहीन अफरीदी, आरएस राउत, टेपिया, हसन अली, चूतिया, सबको मार पड़ी है, सबको बैंगन बना के मारे। मेरे घंटे के किंग्स आओ बाहर, आपके अब्बू की पिटाई हो रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे गंदी हार है आज। इस घंटे को नहीं था पता, इस बाबर घंटे को नहीं था पता कि इतने छोटे स्टेडियम में इतनी फ्लैट ट्रैक के ऊपर टॉस जीतते पहले बैटिंग दे रहा ऑस्ट्रेलिया को। मेरे घंटे के किंग, मुझे गुस्सा आ रहा है तेरे पे कि तू इतना कोई ठुल्लर किस्म का कप्तान है, तुझे ये ही नहीं पता कि फ्लैट ट्रैक पे टॉस जीत के बंदा खुद बैटिंग करता है, इसने ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग थमा दिया। और कैचेस छोड़े हैं वो वार्नर जो फॉर्म में नहीं है, जो रिटायरमेंट की बातें कर रहा है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरे से रंग नहीं हो रहे, उसका 100 बनवा दिया हमने। मतलब मुझे यार तप चढ़ी है, मुझे यकीन करो मैंने मार देना यार। कौन सी बॉलिंग है, शॉर्ट पिच वाले किया जा रहे हो, पर गोरे हैं वो, पर टेपिये आरएस राउत, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे अक्ल नहीं है क्या? गोरू को तो तेज बॉल करेगा तो तुझे छक्का, तुझे चौका, तुझे ये, तुझे वो। दो एक ओवर में, पहले ओवर में टेपिये को 24 पड़ा है, किधर गई वो नंबर वन बॉलिंग, घुस गई, प्रोग्राम बढ़ गया। आ ना मेरे घंटे, ओ मेरे घंटे, उधर ऑस्ट्रेलिया तुझे लिटा रहा है, उधर ऑस्ट्रेलिया ने तेरा घंटा बजा दिया, तेरा कोई बॉलर उन्होंने नहीं छोड़ा, उसामा, अमीर, नवाज, सिदाब, सबको घंटा बना दिया उन्होंने। और भाई जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई पाकिस्तान के पास आओ, हम आपको फॉर्म देते हैं। हमारा काम ही ये है कि इन फॉर्म प्लेयर को हम फॉर्म देते हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है उसको हम फॉर्म देते हैं, हमारा एक ही काम है। हमको हमने तो ठेका लिया हुआ है। ओ मेरे घंटे का किंग, बाहर आओ, आप अबू को डिफेंड करो। किंग क्रिकेट का एक ही है, विराट, किंग कोहली। और ये जो मेरा घंटे का किंग है ना, उनको मैं बता दूं, बेटा जो आज होने वाला है ना, आज मौत का खेल नहीं है, आज क्यामत का खेल है।
फिर बता रहा हूँ घंटा ऐसा बजेगा आज इतनी जोर जोर से मारू कि मैं जिसको कहते ना भूल जाऊं कि मैं क्रिकेट देखता होता हूँ। दिल गाड़ है कि इस बॉल से तीनों बोलो बॉल अपने सर के ऊपर रच रच के मारू कि किसी तरीके से मेरी याददाश्त चली जाए, मैं भूल जाऊं पाकिस्तान टीम भी कोई थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी कोई थी। मतलब कि हद हो गई है यार, हद हो गई है। इतनी पुअर बॉलिंग के आपके हाथ पांव फूल के रह गए। हाफ पिच बॉलिंग कर रहे हो, इतनी गंदी बॉलिंग कर रहे हो, मार मार उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। हारिस रऊफ को मैं क्या बोलूं, जिंदगी में पहली बार मुझे पाकिस्तानी बॉलिंग देख के ना अफसोस हो रहा है कि ये हमारी ये बॉलिंग है, ऐसी बॉलिंग नहीं होती थी। हमारी तो बॉलिंग वो होती थी जो बैटिंग फ्रेंडली विकेट के ऊपर भी विकेट निकाल के देती, ये हमारी बॉलिंग है। हारिस रऊफ को मैं क्या बोलूं कि पहला ओवर का रन 24 रन पे किया है। जब कोई नया बॉलर आता है ना बॉलिंग करने, तो सामने वाली टीम के ऊपर टेंशन होती है, वो कहते हैं नहीं ये नया बॉलर आ रहा है इसके खिलाफ जरा पहला ओवर संभल के खेलना है। लेकिन हारिस रूफ तो वो तोहफा है दूसरी टीमों के लिए कि वो कहते हैं नहीं इसको मारो रज रज के मारो। पहली बॉल छक्का आ रहा, पहले ओवर में 24 रन हारिस रूफ को पड़ा। हारिस रूफ जो कि हमारा मशीन गन है, हारिस रूफ का जो सॉफ्टवेयर था ना पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपडेट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने हारिस रूफ को अपडेट करके रख दिया। तो यार कोई बता दे कि इस टीम का क्या करें हम, और मार मार के वार्नर ने और मार्श ने जो उल्ली निकाल दिया है, कुत्ते की तरह मारा है भाई साहब। अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा, मारना दूर की बात है, इसको घसीटना बोलते हैं, घसीट घसीट के मारना बोलते हैं भाई साहब। और हारिस रऊफ भाई साहब क्या पेला है भाई साहब इसको, और 24 स्कोर एक ओवर में हारिस रऊफ ने खा लिए हैं। अपने पहले ही ओवर में पहले बॉल पे चौका छक्का एक स्कोर, वाइड बॉल एक स्कोर, चार चार चार, यानी कि इतनी ज्यादा धुलाई कर दिया कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसके बाद जहां वो हारिस रऊफ ने जितनी पिटाई खाई है ना भाई साहब, इतनी पिटाई कोई नहीं खाता। स्टेपिये को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया भाई साहब, और आधी पिच पे बॉलिंग कर रहे हैं यार, आधी पिच पे बॉलिंग पिच कर रहे हैं, बाउंड्री छोटी है ये कर रहे हैं छक्का भैया, मुड़ मुड़ के छक्के लगा रहे हैं वो, और बिल्कुल पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना उसे एक्सपोज कर दिया है। और फील्डिंग इनकी अल्लाह ही हाफिज़ है, इस फील्डिंग का लानत है ऐसी फील्डिंग के ऊपर, लानत है ऐसी कैचिंग के ऊपर, और लानत है यार जो है ऐसी बॉलिंग के ऊपर। वर्ल्ड क्लास के जो है नारे लगाए जा रहे थे, और वर्ल्ड क्लास को मार मार के थर्ड क्लास बना दिया भाई साहब। आज बता दिया कि ये T20 के बॉलर है, ODI के बॉलर नहीं है। T20 में भी होता तो यही धुलाई होती, मार मार के क्या बकरी बना दिया है। पाकिस्तान के दरमियान कुछ अलग ही तरीके से पाकिस्तान को ट्रीटमेंट दी जा रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और एक बार फिर से बंबूजल करके रख दिया है पाकिस्तान के बॉलर्स को। पाकिस्तान के बॉलर्स बेबस है बिल्कुल, आप कह रहे हैं मारा है मिचेल मार्श ने, मारा है वार्नर ने, मारा है इतना मारा एक मंदिर का घंटा जो आता है बजाने जो इनको निकल जाता है, लगातार बजा कर मारा है। और हारिस रऊफ की भाई 150 की स्पीड, हारिस रऊफ जो हम कर रहे थे भाई एक ओवर में 24 रन, 3 ओवर 47 रन, इतनी मार ये तो हमने सोचे थे। और सोने पे सुहागा आपके ब्रेनलेस कप्तान, जो ब्रेनलेस कप्तान है वो एक ओवर में 24 आ रहे हैं, ले रऊफ को ओवर डाल, फिर तू छक्का ले रऊफ को ओवर डाल, फिर छक्का ले रऊफ को ओवर डाल, मतलब यार आपकी अब सेंसेस में यूं, आप क्या कप्तानी कर रहे हो यार। फिर सोने पे सुहागा सामा भी साहब ने जॉली कैच, यार डॉली कैच जो है वो मार के वार्नर का वो ड्रॉप किया, उसके बाद वार्नर फंसा गया। आप कीजिएगा, लेकिन आपकी बॉलिंग इंतहाई बेकार, इंतहाई पथेटिक, और इंतहाई ना अहल किस्म का स्क्वाड आपने पे किया था। इतनी पथेटिक फील्डिंग है, अब्दुल्ला ने भी क्या छोड़ दिया, अरे उसामा ने भी क्या छोड़ दिया, फील्डिंग प्लेसमेंट लॉब पे वो 3 चौके मार गया, उसके बाद उसे फील्डर नहीं लगाया, यानी कि इतनी पथेटिक फील्डिंग, जाओ चौके छक्के मार रहे हैं वो बार बार मार रहे हैं, फील्डिंग भी नहीं लगाएगी। नहीं बहुत ही आप कह रहे हो पुअर जिसे कहते हैं ना, वो कहानी रही आज ना, कोई हसन बॉल वो तो शुक्र करो, मार्च जब आऊंगा और मैक्सवेल ने जोरदार